हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज भिंडी हम स्पेशल तरीके से बनाने वाले हैं। तो भिंडी को मैंने सबसे पहले धुल के अच्छे से पोंछ के देखिए कट कर लिया है, तिरछा तिरछा ऐसे कट किया है। तो हमने साफ़ करके कट कर लिया है, अब चलिए बनाते हैं। तो कढ़ाई में तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, सरसों का तेल है। अब हम डालेंगे मेथी दाने और साबुत धनिया, तो ये डाल दिया है, चटकने लगी है। अब डालेंगे इसमें लहसुन, मिर्च ढेर सारी कट करके हमने डाल दी है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये भी भुनने लगा है। अब हम डाल देंगे प्याज, तो प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए। तो ये अलग स्पेशल तरीके से हम भिंडी बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर डाल के भी हम चला देंगे अच्छे से। ये देखिए चला दिया है। और अब हम डाल देंगे इसमें भिंडी जो मैंने कट करके रखी थी, ये सारी भिंडी मैंने डाल दी है। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे स्वादानुसार, नमक मैंने डाल दिया। और अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि तीखी चटपटी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए लाल मिर्च पाउडर और डाल रहे हैं। और एक चम्मच धनिया पाउडर, ये भी मैंने डाल दिया। और अब हल्के हाथों इसको चला देंगे, देख सकते हैं। तो इसको मैंने चला दिया है। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बिल्कुल चाट मसाला पाउडर डाल दिया है, इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। अब हम डालेंगे लगभग आधी कटोरी के बेसन, थोड़ा सा मैंने ऐसे ऊपर डाल दिया है। अब इसको चला देंगे, चलाने के बाद में फिर थोड़ा सा डालेंगे, तो आधी कटोरी से कम ही रहेगा, यानी कि 4-5 चम्मच बेसन हम डाल रहे हैं इसमें। तो इसको अच्छे से चला दिए हैं। अब हम फिर से इस पर बेसन डालेंगे, तो अब हम फिर से बेसन ऐसे डाल रहे हैं जिससे कि पूरे भिंडियों में कोटिंग हो जाए, ऐसा हमको करना है। तो फिर से हम बेसन डाल के फिर चला देंगे, चलाने के बाद और फिर हम थोड़ी देर इसको ढकेंगे। तो देखिए अच्छे से इसको चला लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और धीमी ही आंच रखेंगे, और थोड़ी देर बाद ढकने के बाद फिर से ढक्कन हटा के फिर चला लेंगे। पानी वानी इसमें कुछ भी और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे ही धीमी आंच पे ढकते हुए चलाते हुए पकाना है इसको। देखिए कोटिंग अच्छे से हो चुकी है बेसन की, तो भिंडी भी हमारी पकने लगी, बहुत ही जल्दी पक जाती हैं, पकने में टाइम नहीं लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फैला देंगे भिंडियों को पूरी कढ़ाई में फैलाते हुए। अब तेज़ आंच करेंगे, तो तेज़ आंच करने के बाद इसको फैलाते चलाते रहेंगे, मतलब चलाना है, जलने ना पाए ऐसा हमको करना है। और हल्के हाथों फैलाते रहेंगे कढ़ाई में और चलाते रहेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी भिंडी जो है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है, बेसन वाली भिंडी। तो आप लोग भी ऐसे घर पे ज़रूर बनाइएगा। अब हम दूसरे बर्तन में इसको निकाल के रख रहे हैं। देखिए अलग अलग सारी भिंडियाँ खिली खिली नज़र आ रही हैं, चिपचिपी नज़र नहीं आ रही हैं, तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगी। आप लोग बच्चों को लंच में दे सकते हैं, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही भिंडी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा अपने घर में बेसन वाली भिंडी। तो अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, पास में दिख रही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी न्यू वीडियो लाने हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।